अलवर की घटना पर मुख्यमंत्री गहलोत का ट्वीट। अलवर में विमंदित बालिका के प्रकरण के संबंध में बात हुई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एसपी अलवर और बालिका का इलाज कर रहे वरिष्ठ डॉक्टर से संपर्क बना हुआ है। डीजी पुलिस को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अनुसंधान कर शीघ्र मामले की तह तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर एसपी की सहायता के लिए राज्य स्तर से डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में अनुसंधान हेतु अलग से टीम भेजी गई है। इस प्रकरण में राजनीतिक दलों द्वारा अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुसंधान के नतीजे तक पहुंचने के बाद टिप्पणी करना न्यायोचित होगा। मुख्यमंत्री ने ये एक के बाद एक ट्वीट किए और इन ट्वीट के जरिए न सिर्फ विपक्षी दलों पर हमला किया बल्कि ये भी कहा कि पुलिस को उनका काम करने दिया जाए। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, मुख्यमंत्री ने इशारों में बता दिया कि इस मामले की जांच को गंभीरता से होने दीजिए, अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए, क्योंकि अभी तक ना तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आधिकारिक तौर पर कि हाँ दुष्कर्म हुआ है, ना डॉक्टर्स की तरफ से इसकी पुष्टि की गई, तो इस खबर को इस तरीके से राजनीतिक दलों को नहीं उठाना चाहिए। विजेंद्र, देखिए, जो अलवर का जो विमंदित बालिका प्रकरण है, ये न केवल प्रदेश में बल्कि एक देश का भी मुद्दा बना हुआ है और जो विभिन्न राजनीतिक दल है उसको अपने हिसाब से उसके बारे में वो बयानबाजी कर रहे हैं। और इस पूरे मसले पे कल देर रात को मुख्यमंत्री का पहली बार जो सार्वजनिक बयान ट्वीट के माध्यम से आया था। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन ये घटना सामने आई थी मुख्यमंत्री ने उसी वक्त डीजीपी से, वहाँ के एसपी से बात की थी, पूरा फीडबैक लिया था, पूरी रिपोर्ट मांगी थी और साथ में इस बच्ची का समुचित इलाज उसको लेके जो चिकित्सा मंत्री है उनको, जो डॉक्टर्स है उनसे भी लगातार संपर्क करके बात की थी। अब चूंकि लगातार जो है वो विभिन्न राजनीतिक दल के जो नेता है वो इसको लेके बयानबाजी कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इसकी जो पूरे मामले की जो स्वतंत्र निष्पक्ष जांच है उसके आदेश दिए गए हैं और इसको पूरे मामले तक तह तक पहुंच जाए, उसके बाद कोई नतीजा निकले उसके बाद ही किसी तरह की टिप्पणी जो है वो विभिन्न राजनीतिक दलों को करना चाहिए। पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि अनुसंधान है पूरी तरह से हो। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, बच्ची का मामला है, ऐसे में राजनीतिक दलों को अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि लगता नहीं है विजेंद्र कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भी बयानबाजी रुकेगी। कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और लगता है इस मामले को लेकर फिर से इसको उछाला जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री लगातार खुद इस मामले पर जो है जो आला अधिकारी है उनसे संपर्क में है, डॉक्टरों से संपर्क में है, एसपी है, इसके डीजी है, उनसे संपर्क में है और जल्द से जल्द जो भी घटना में शामिल है, जो भी अपराधी जो है जिनको पुलिस सर्च कर रही है, लगातार कोशिशें कर रही है, जो अभी नाकाम रही है, तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि तमाम जो पहलू है उसकी सख्त तरह से जांच की जाए। जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ जो है उनको पकड़ा भी जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल जो अलवर एसपी का बयान आया था डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पे और ये कहा गया था कि रिपोर्ट के आधार पर भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, ये उनका कहना था, तो ऐसे में लगता है कि अभी इस मामले में आगे जो विभिन्न राजनीतिक दल है अभी और इस तरह के बयान आएंगे। भले ही मुख्यमंत्री ने अपील की है राजनीतिक दलों को अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।